वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी आपको पता चलता है कि राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज 15 मई को दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो उसकी आंसर की मैं आपको जीके की उपलब्ध करवा देता हूं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट के, राजस्थान करंट, इंडिया करंट के क्वेश्चन आपको मैं इसमें बता देता हूँ जीके से संबंधित। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। छोटी सी क्लास है 3-4 मिनट की, उसके लिए आपको मैं छोटे से क्वेश्चन बताता हूँ, कुछ कुछ खास के लिए इस तरह आप पढ़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखो, ये आया पहला भी, छोटा रामदेवरा कहाँ पर है आपको बताइए, गुजरात में है छोटा रामदेवरा। नारगढ़ का प्राचीन नाम पूछा गया है, तो सुदर्शनगढ़ है। अच्छी तरह से पढ़ना, क्वेश्चन थोड़े कठिन से पूछे जा रहे हैं। और राजस्थान का 33वां जिला आपको बताइए भी प्रतापगढ़ है। छेड़छाड़ वाले देवता पूछे थे, तो ध्यान रखना इलोजी, कौन से थे छेड़छाड़ वाले देवता, इलोजी हैं। उसके बाद में पूछा है रिको का पूरा नाम पूछा भी, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। अच्छी तरह से पढ़ लेना, ये इसका रिको का पूरा नाम है पूछा गया है। झाड़शाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध हैं, ये सिक्के पूछे हैं जयपुर के, झाड़शाही सिक्के पूछे थे जयपुर के प्रसिद्ध हैं। चिरंजीवी योजना कब लागू हुई, 1 मई 2021 को, तो ये पता ही है, ताज़ा करंट का क्वेश्चन है, 1 मई 2021 को चिरंजीवी योजना लागू हुई। एशिया का सबसे बड़ा सर्किल कहाँ पर है, ज्वार सर्किल है ये जयपुर में, तो ध्यान रखना एशिया का सबसे बड़ा सर्किल कहाँ है, ज्वार सर्किल है जयपुर में। उसके बाद में देखो, बीकानेर की स्थापना कब हुई, 1488 को, राव बीका के द्वारा 1488 में बीकानेर की स्थापना हुई, ये पूछा गया है। उसके बाद में रेडक्लिफ की कुल लंबाई पूछी गई है, 3310 है, और राजस्थान में कितनी है, 1070, तो ध्यान रखना कुल टोटल लंबाई 3310। देलवाड़ा जैन मंदिर समूह में कितने मंदिर हैं, ध्यान रखना 5। अगर आपसे पूछे पाली वाले, तो उसमें आ जाएगा 7 मंदिर है उसमें, ठीक है। और देलवाड़ा सिरोही वाले में कितने हैं, 5 मंदिर हैं। उसके बाद में ये पूछा गया है भी, राजस्थान के किस खिलाड़ी का संबंध पैरा ओलंपिक से है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो वैसे तो पैरा ओलंपिक तो अवनी लेख रहा है, सुंदर सिंह गुजर है, देवेंद्र जाजरिया है, संदीप सिंह है, तो ये थे पैरा ओलंपिक, वहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड करता है भी कौन सा नहीं है, कौन सा है। कर्नल अलाउरा कौन से खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखना हॉकी से, ये पूछा भी है, कर्नल अलाउर है वो कौन से संबंधित, किस खेल से है, हॉकी से। जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो राजसिंह ने जूनागढ़ का निर्माण करवाया, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद बनास की सहायक नदियाँ पूछी गई है भी, कौन सी है या कौन सी नहीं है, मैनाल, मोरेल, बेड़ा, चडूंड, ये क्या है बनास की सहायक नदियाँ हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। उसके बाद में पूछा गया थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की है, ये पूछा गया है। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, ओडिशोस निरीग्रेप्स, ये पूछा गया गोडाउन का वैज्ञानिक नाम, तो विज्ञान का गोडाउन का पूछा गया, तो आप खेजड़ी का और रोहिड़ा का, इनका आप पढ़ लेना, आगे पूछा जा सकता है। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो WC बनर्जी ने की थी। उसके बाद में रणथंभौर में राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था 1301 में, आपको पता ही है प्रथम शाखा हुआ था राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में रणथंभौर में 1301 में, ये पूछा गया है। 2 सितंबर 1992 में किसकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया, तो देवनारायण जी पर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना किसकी डाक टिकट पर, देवनारायण जी। सिर पर थाली रखकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, भवाई नृत्य है। और भारत में कागजी शैली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गुजरात की है, तो ये क्वेश्चन आए हैं। दो धारा से संबंधित भी, महिला बाल प्रथा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आउटपुट इनपुट कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अच्छी तरह से पढ़ लेना। कागजी शैली प्रसिद्ध है ये गुजरात की, तो ये क्वेश्चन थे कुछ मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए जीके के मोस्ट क्वेश्चन मैंने इंडिया और राजस्थान के आपको उपलब्ध करवा दिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।